हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आरएससी ग्रुप डी एग्जाम 2022 का 18 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन। लगभग आपको यहां पर देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन होगा आपका जीके जीएस के ऊपर, और सारे क्वेश्चन हैं आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में भाषाओं में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए वीडियो का, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर जरूर चेक करें। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसमें जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी मदद हो जाए। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट हैपेंस टू द रिएक्टिविटी व्हेन यू गो टू लेफ्ट टू राइट इन पीरियडिक टेबल। जब अगर आप आवर्ती सारणी में बाएं से दाएं की तरफ जाओगे, तो वहां पर रिएक्टिविटी का क्या चेंज होता है। ठीक है, तो वहां पर होगा आपका रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीजेस। तो यहां पर देख सकते हो, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, हेंस रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, तो व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए रिवर चेंजेस इट्स फॉर्म व्हेन इट इज फ्लोइंग। तो जब कोई नदी बहते समय अपना रुख बदलती है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मेंडरिंग प्रोसेस। ठीक है, द शेप ऑफ ए रिवर एंड स्ट्रीम से चेंज थ्रू द टाइम एज इरोशन डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेडिमेंट ऑकर्स। ठीक है, जब नदियाँ जब ऐसे बहता है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे दाएँ बाएँ चलता है। ठीक है, इधर बांक मक के चलता है, तो इसे बोलता है मेंडरिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, चिपको आंदोलन कैसे से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, तो इस आंदोलन के बारे में कुछ जान लेते हैं। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन मार्च 1974 इन गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट एंड वॉज हेडेड बाई चंडी प्रसाद भट्ट ऑफ गोपेश्वर एंड सुंदरलाल बहुगुना ऑफ सिलियारा इन तेरी रीजियन। ठीक है, और ये कौन सा रीजन में हुआ था, ये हुआ था आपका गढ़वाल हिमालय रीजियन में। तो यहाँ पर क्या किया था, यहाँ का जो गांव का जो वुमेन्स है, वो ऐसे ट्रीज को हाक करके रहता था, ताकि वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो गाछ को कट ना पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, हु व्हाई डू द प्लैनेट्स नॉट ट्विंकलिंग। तो जो ग्रह और टिमटिमाते क्यों नहीं है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकलिंग बिकॉज एक है, प्लैनेट्स आर नॉट सोर्स ऑफ लाइट, इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट लो इंटेंसिटी लाइट रीचिंग देम। नेक्स्ट है आपका, दे आर ऑल्सो क्लोजर टू अर्थ देन द डिस्टेंट स्टार्स, हेंस द शिफ्ट ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन इज स्मॉलर। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, एज द प्लैनेट्स आर क्लोजर प्लैनेट्स अपीयर लार्जर इन कंपैरिजन टू द स्टार्स, हेंस द शिफ्ट इज नॉट एनफ फॉर द प्लैनेट टू ट्विंकलिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो प्लैनेट जो टिमटिमाता है, तो उसी का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हाट हैपेंस टू प्लांट इफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम्स मोर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यदि श्वसन की दर जो सालोक संश्लेष की दर से अधिक हो जाए, तो क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका, इफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन प्लांट विल बी स्टार्विंग मोर बिकॉज ऑफ हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन लेड्स मोर कंजम्पशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वो ज़्यादा खपत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ऑप्शन नीचे दिया गया में कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पेपर, फूड प्रोडक्ट्स, कॉटन, काउडंग, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये सारे हो जाएगा आपका बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा आपका जो आपका हो गया पेस्टिसाइड हो गया, टॉक्सिक केमिकल्स हो गया, मेटल्स हो गया, पॉलीथीन, फ्यू फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, रबर, गुड्स, ग्लास, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, ये सारे हो जाएगा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, हाउ कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑल फॉर्म ऑफ कंपाउंड।
तो कार्बन कैसे अधिक जो कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर्म्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स ऑफ फॉर्म लॉन्गर चेन एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट दोस्तों, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स लाइक डायमंड, ग्राफाइट, लैम्प ब्लैक एक्सेट्रा। नेक्स्ट दोस्तों, इलेक्ट्रिक के कंडक्टर वर्क्स ऑन व्हिच रूल, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसके ऊपर, किस नियम के ऊपर आधारित है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और दोस्तों देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन व्हिच ईयर इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स फर्स्ट रिपब्लिक डे, तो इंडिया किस साल पहली बार अपना जो रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1950, 1950 साल में रिपब्लिक डे फर्स्ट मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, ए करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द डिरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट अबव द कंडक्टर इच, तो किसी चालक में पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित होती है, तो कंडक्टर के ऊपर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका टुवर्ड्स द नॉर्थ और क्लॉकवाइज। जो भी ऑप्शन आपका रहेगा वो ये अगर ऑप्शन रहे तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इन ए सर्किट के टू रेजिस्टर्स 3 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, कैलकुलेट द करंट फ्लोज इन 4 ओम रेजिस्टर गिवन वोल्टेज इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, तो एक जो सर्किट दिया गया है वहाँ पर आपको रेजिस्टर रोधक कितना है, तो 2 रोधक का मान दिया गया है 3 ओम एंड 4 ओम का, और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या ना 4 ओम के अंदर से कितना धारा प्रवाह जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है वोल्टेज का मान, वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है 5 वोल्ट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम जो टोटल रेजिस्टेंस होगा तो वो हो जाएगा आपका आर वन प्लस आर टू इजिकल टू 3 प्लस 4 इजिकल टू 7 ओम, तो वोल्ट हो गया आपका 5 वोल्ट, और जो आपका आई है आई इजिकल टू वी बाई आर, तो 5/7 इजिकल टू हो जाएगा आपका 0.71 एम्पियर। तो ये जो लाइन है ये आपका सीरीज में है, तो इसीलिए क्या होगा जो सारे जो रेजिस्टेंस है उस सारे के अंदर से एक ही करंट फ्लो होगा, तो इसीलिए आपका जो यहाँ पर बोला गया है 4 ओम के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 0.71 एम्पियर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों, व्हिच स्टेट स्टार्टेड AVGC यानी एनिमेशन एंड गेम, तो किस राज्य ने AVGC यानी एनिमेशन एंड गेम शुरू किया, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा एंड कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, तो -0.5 मैग्निफिकेशन देन द इमेज फॉर्म, तो ये क्या क्वेश्चन है ऐसा सही से पता नहीं चला, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, छोटा एंड उल्टा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था दोस्तों, इन हेलोजन एलिमेंट हुज एटॉमिक साइज इज बिग, तो हेलोजन का जो हेलोजन जो एलिमेंट रहता है, तो उसमें से किसका परमाणु का आकार सबसे बड़ा होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन, और स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होता है आपका फ्लोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लैंड ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया, तो दक्षिण एशिया में भारत की भूमि का प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो इसका CGS है ऐसा कौन सा बोला गया था वो पता नहीं, तो सभी देख लेते हैं एक बार, तो CGS हो जाएगा आपका कैलोरीज, और SI हो जाएगा आपका जूल, और भी एक यूनिट है वो हो जाएगा आपका BT एंड जो है आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4184 जूल, और 1 BTU इज इक्वल टू 1055.06 जूल। ठीक है, तो आशा करते हो आपको ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, pH वैल्यू मैचिंग, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर pH का जो एक कॉलम दिया गया था, तो वहाँ पर आपको pH का वैल्यू मैचिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख रहे हो लेमन जूस का pH है आपका 2.5, मिल्क और मैग्नीशिया का आपका 10.5, और NaOH का हो जाएगा आपका 14, तो अगर आपने ये किया हो ऐसा मैचिंग किया हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, इन व्हिच फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज आर स्टोर्ड इन प्लांट्स, तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज किस रूप में जमा होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च के फॉर्म में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन,
कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड व्हाट इज द रिलेशन, ये जो दिया गया है बस C3H8 एंड C2H6, तो यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिफरेंस क्या है और इनका रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा वो हो जाएगा आपका CH2 एंड ये रिलेशन होगा आपका होमोलोगस, और यहाँ पर देख सकते हो CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो सी, यहाँ पर अगर 3 बैठा है तो 3 सी इनकी जगह में 3 बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C3H8, और यहाँ पर अगर 2 इनके जगह में 2 बैठा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C2H6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, फिलामेंट ऑफ बल्ब्स मस्ट बी, तो बल्ब का जो फिलामेंट वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम मेटल इन वाटर, अगर सोडियम मेटल को वाटर में पानी में दिया जाए तो क्या होगा, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे ही रिएक्शन का जो बैलेंस और रिएक्शन ऐसा पूछा जा रहा है, तो आप लोग जरूर ऐसा क्वेश्चन देख के जाइएगा एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, फोकल लेंथ से, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 50 सेंटीमीटर, देन पावर इज इक्वल टू व्हाट, तो पावर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पावर इज इक्वल टू 1/f, तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ, तो 1/50/100 सेंटी 100, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सेंटीमीटर से हम हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 100 से डिवाइड करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 2d, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा आपका 2d। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आया था, आर्टिकल 243 243 ई इज रिलेटेड टू 243 243 ई किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, तो पंचायत का जो ड्यूरेशन होता है 5 साल, तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हाट इज पतलपनी रेलवे स्टेशन न्यू नेम, तो पतलपनी का जो रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका तात्या मामा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, कचाई लेमन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हुई स्टेट, तो कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, हु बिकम 73rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं चेस में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 ईयर्स ओल्ड भारत सुब्रमणियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश, तो सार्क कब एस्टैब्लिश हुआ, सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 दिसंबर 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन जो भारतीय संविधान है वो कितने भाग और कितने अनुच्छेद में विभाजित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 395 आर्टिकल्स या अनुच्छेद और 22 जो आपका भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हेन वाज DRDO एस्टैब्लिश, तो DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, आर्टिकल 338 इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिथेन का जो संकेत है वो हो जाएगा आपका CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोकोफेरोल। अगर आपने हमारा जो 18 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट का जो एनालिसिस वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर वहाँ पर जाके देखें, तो वहाँ पर आपको सारे ऐसे विटामिन का जो डिटेल्स है और उसका जो केमिकल नेम है और उसका शॉर्टेजनेस की वजह से जो क्या होता है वो सारी चीज़ वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग जरूर वो वीडियो देखें, 18 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है दोस्तों, नेशनल गेम्स इन गुजरात आर गोइंग टू हेल्ड इन हाउ मेनी सिटीज़, तो जो नेशनल गेम्स है गुजरात में खेला जाएगा वो कितने सिटी में होगा, तो वो हो जाएगा आपका 6 सिटीज़ में, वो हो जाएगा आपका गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हेन वाज खानवा बैटल ऑकर्ड, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो हो जाएगा आपका 16 मार्च 1527, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि ये बैटल किसके किस किसके बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, चार्ज रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि आपको मैच करना पड़ेगा, तो कौन सी चार्ज किस राज्य में है, तो क्या ऑप्शन दिया गया था वो तो पता नहीं चला, फिर भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चार्ज और उसका स्टेट दिया गया वो एक बार देख लेते हैं। तो कैथेड्रल चार्ज है वो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में, फिर हो गया आपका वेलकनी चार्ज वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, फिर हो जाएगा आपका फिर है दोस्तों आपका चीरथल्ला कुट्टुम चार्ज वो है आपका केरला में, सेंट फ्रांसिस चर्च गोवा में, सेंट कैथीड्रल चर्च गोवा में, सेंट जॉन्स चर्च कोलकाता में, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट चर्च का लिस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, तो हो जाएगा आपका रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था, वो हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद 1897 में। आप और भी जो इम्पोर्टेंट जो आपका फाउंडेशन है जो कौन क्या स्थापना किया था, तो उसका जो भी जो डिटेल एनालिसिस वो हमने 18 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का जो वीडियो है वहाँ पर हमने डिटेल्स किया है, आप वहाँ पर जाकर जरूर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स देख लेते जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ब्रह्मो समाज हो जाएगा आपका राजा राममोहन राय, प्रार्थना समाज हो जाएगा आपका आतुराम पांडुरंग, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जो आज पूछे गए थे, सत्यदक समाज ये भी क्वेश्चन में आया था, और ज्योतिबा फूले हो जाएगा अलीगढ़ मूवमेंट होगा आपका सैयद अली अहमद खान, और आत्मीय सभा हो जाएगा आपका राजा राममोहन राय, ये सारे चीज़ें आपको एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, अंडर व्हिच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ओथ कम अंडर, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, इन व्हिच ईयर बंधन बैंक एस्टैब्लिश, तो बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 2015, हेड ऑफिस है आपका कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच बैंक मर्ज हुई थे पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ कौन सा बैंक का मर्ज किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC एंड हो गया आपका UBI यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, इन व्हिच स्टेट इज द बोडो लैंग्वेज स्पोकन, तो बोडो भाषा किस राज्य में बोला जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा इन 1990, तो एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन क्या आया था वो ठीक से पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट में नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदी इंग्लिश बंगाली एंड कोकबोक रोक, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ, ये था आज का यानी 18 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर जरूर चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।